हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, यानी जिनको फिट्स आते हैं उनको क्या क्या उसके बारे में जानकारी। तो एपिलेप्सी जो है चाइल्ड बियरिंग एज की 0.5% वेमेन में मिल सकती है। ये प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेशन है। तो किस तरह की, तीन तरह की एपिलेप्सी हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, या फिर पार्शियल फोकल, ठीक है, या फिर टेम्पोरल लोब सीजर्स जो कि पार्शियल सीजर्स के फॉर्म। तो पार्शियल सीजर्स में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में क्या है, सेकेंडरी जनरलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, एब्सेंट सीजर्स में क्या होता है कि एकदम से बच्चा बैठा हुआ है और या कोई भी बैठा हुआ है, एकदम से वो 2 मिनट के लिए उसको वो आए और वो फिर से वापस क्लास में आ गया। इस तरह के कुछ बच्चे होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फ्यू सेकेंड्स के होते हैं, एकदम रैपिड ऑनसेट होगी, रैपिड रिकवरी होगी और एकदम से सांस उसकी तेज चलने लग जाएगी। 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव डिस्चार्ज EEG पे, जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे बच्चे स्कूल में भी कम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर क्लास में ज़्यादा सो रहा है और एकदम से उठ गया, तो मैम को थोड़ा सोचना चाहिए कि कहीं इसको एब्सेंस सीजर्स वगैरह तो नहीं हो रहे हैं और क्लास में उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। टोनिक क्लोनिक सीजर्स में क्या होते हैं कि एकदम से झटके आते हैं। मायोक्लोनिक सीजर्स, फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो पैथोजेनेसिस क्या है, इडियोपैथिक है, कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं है। 30% केसेस में इसकी एक फैमिली हिस्ट्री होती है। ठीक है, सेकेंडरी एपिलेप्सी कब हो सकती है प्रेगनेंसी में, अगर प्रीवियस सर्जरी हुई है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की, इंट्राक्रेनियल कोई मास लेशन हो, पेशेंट को कोई मेनिंजियोमा हो, ठीक है, या फिर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो, या AV malformations वो प्रेगनेंसी में एनलार्ज हो गए हैं। तो या तो फैमिली हिस्ट्री हो या सेकेंडरी एपिलेप्सी, कभी उसकी कोई ब्रेन की कोई सर्जरी हुई हो या कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, ठीक है, मेनिंजियोमा हो या AV malformation हो। अदर कॉजेज सीजर्स एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी का क्या कारण है और सीजर्स इन प्रेगनेंसी, एक्लेम्शिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रेगनेंट वुमेन को अगर सीजर आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप द डायग्नोसिस ऑफ एक्लेम्शिया इन योर माइंड। इंडिया में आपको मलेरिया को ध्यान में रखना है। टूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो सकती है, सेरिब्रल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, TTP थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो सकता है, या फिर सबअरेक्नॉइड हिमरेज, या ड्रग इंड्यूस्ड अल्कोहल विड्रॉवल, या हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोएड्रिनलिज्म एंड लिवर फेलियर। तो क्या क्या हैं और कॉजेज, एपिलेप्सी, सेरिब्रल वेन थ्रोम्बोसिस, या TTP, या स्ट्रोक आया हो पेशेंट को, या सबअरेक्नॉइड हिमरेज, या कोई ड्रग या अल्कोहल विड्रॉवल, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, डायबिटीज़, हाइपोनेट्रीमिया, इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो, टूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, ये जेस्टेशनल एपिलेप्सी होती है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होती है। और पोस्ट ड्यूरल पंक्चर में क्या होता है, ड्यूरल पंक्चर कभी हुआ है उसके 7 दिन के अंदर। सीडो एपिलेप्सी क्या होती है, इट्स अ नॉन एपिलेप्टिक सीजर डिसऑर्डर। सीडो फिट्स होते हैं, प्रोलॉन्ग रिपीटेड सीजर्स, इसमें साइनोसिस नहीं होगी, आई ओपनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं, ब्लड प्रेशर, यूरिन, यूरिक एसिड, प्लेटलेट काउंट, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट आपको कराने हैं, ब्लड ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम, सीरम लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, CT MRI ऑफ ब्रेन बहुत ज़रूरी है, और एक EEG। नॉन प्रेगनेंट वीमेन में फर्स्ट सीजर अगर आया है तो इतना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में हमें उसको करना है। तो व्हाट इज़ द, कभी भी हम किसी मेडिकल डिसऑर्डर को पढ़ते हैं तो उसका व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन एपिलेप्सी। प्रेगनेंसी में क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 64% में बेसिकली डज नॉट इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स। प्रेगनेंसी का अधिकतर वुमेन में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन 16% लोगों में डिक्रीज सीजर हो सकते हैं, और मैक्सिमम 70% में कोई फ़र्क नहीं हो सकता, 17% में इंक्रीज भी सीजर्स हो सकते हैं। वो पेरीपार्टम डिलीवरी के आसपास सीजर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर जो कोई पेशेंट बहुत सालों से सीजर फ्री है तो उसे अब अनलाइकली टू हैव सीजर्स। पुअरली कंट्रोल एपिलेप्सी है तो जिसमें फ्रीक्वेंसी वंस अ मंथ से ज़्यादा है, तो वो अब प्रेगनेंसी में डिटेरिएट भी कर सकता है।
मैटर्नल डेथ्स भी हो सकती है, कॉज ऑफ डेथ अधिकतर एस्पिरेशन है, ठीक है, लेकिन एपिलेप्टिक सीजर्स खुद में भी फेटल हो सकते हैं, सडन एक्सप्लेन डेथ इन एपिलेप्सी हो सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या क्या कंडीशन से डेथ हो जाती है या सीजर कंट्रोल डिटेरियट हो जाता है, क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेने में पेशेंट हो सकता है हेसिटेट कर जाए, या स्लीप उसका नहीं हो पा रहा हो टर्म्स, या फिर जीआई अब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कम हो, या लेबर के समय हाइपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, पुअर कॉम्प्लियंस पेशेंट की हो, पेशेंट को क्योंकि बता दिया जाता है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स से टेराटोजेनेसिस ही हो सकती है, यानी बच्चे को वो हार्म कर सकते हैं, तो ये कुछ रीज़न है कि सीजर कंट्रोल प्रेगनेंसी में डिटेरिएट हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एपिलेप्सी ऑन प्रेगनेंसी, फीटस पे क्या है, बच्चे पे शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ हाइपोक्सिया होंगे तो एडवर्स इफेक्ट सिंगल सीजर का कुछ नहीं होता, लेकिन फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है मदर को अगर टोनिक क्लोनिक सीजर्स हो गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेरिब्रल डैमेज नहीं होता, मिसकैरियज के चांस नहीं बढ़ते, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ते, जब तक क्योंकि वो अबडोमिनल ट्रॉमा ही ना हो जाए, गिर जाए ना ही, और लेकिन कॉन्जेनाइटल रिस्क ऑफ एनोमलीज भर जाती हैं, तो टेराटोजेनिक ड्रग से भी बढ़ सकती हैं और एपिलेप्सी इट्सेल्फ से भी प्रेगनेंसी में बच्चे में कॉन्जेनिटल एनोमलीज भर सकती हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ बच्चे में फीटल ब्रेडिकार्डिया वगैरह हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है कि धनाधन धनाधन सीजर्स आ रहे हैं, वो बहुत डेंजरस हो सकता है मदर फीटस के बीच में, और बच्चे में एपिलेप्सी होगी अगर पेरेंट्स में एपिलेप्सी है, अगर भाई बहनों में एपिलेप्सी है। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द टेराटोजेनिक ड्रग्स विच कैन क्लॉज द प्लेसेंटा, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, फेनिटॉइन, फिनोबारबिटॉन, कार्बामेज़ेपीन, सोडियम वेलप्रोएट, लैमोट्रिगिन, टोपिरामेट, लेवाटेरासिटाम, ठीक है, ये सारी जो है ड्रग्स हैं, ये प्लेसेंटा क्रॉस करती हैं, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कर सकती हैं, पर्टिकुलरली वेलप्रोएट्स और कार्बामेज़ेपीन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि वेलप्रोएट्स यू शुड नो, कार्बामेज़ेपीन यू शुड नो कि ये फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करती हैं, रीढ़ की हड्डी में फोड़ा करेंगी, ओरोफेशियल डिफेक्ट्स कर सकती हैं, ठीक है, गम स्वेलिंग करती है फेनीटॉइन, ओरोफेशियल डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट यहाँ पे, ठीक है, कार्बामेज़ेपीन भी कर सकती है, फिनोबारबिटॉन भी कर सकती है, हार्ट डिफेक्ट्स कर सकते हैं, फेनीटॉइन, फिनोबारबिटॉन और वेलप्रोइड, ये तीनों हार्ट डिफेक्ट्स कर सकते हैं। हाइपर टेलोरिज्म, डिसमॉर्फिक फीचर्स होगा यहाँ पे, हाइपोप्लेजिया ऑफ मिड फेस, हाइपोप्लास्टिक नेल्स एंड डिस्टल डिजिट्स, ये भी कॉग्निटिव डिक्लाइन भी हो सकता है। तो बेसिकली नंबर ऑफ ड्रग्स अगर पॉलीथेरेपी चल रही है तो कॉन्जेनिटल एनोमलीज़ की चांसेस बढ़ सकती हैं, इसलिए मोनोथेरेपी हमें करनी है और लीस्ट टेराटोजेनिक ड्रग करनी है, मतलब सिंगल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे ही अगर कंट्रोल हो जाए तो बेस्ट रहेगा। तो वेलप्रोएट का सबसे ज़्यादा मेजर मेल्फेमेशंस का चांस है, उसे हम अवॉइड करना है, ठीक है, अगर मेलप्रोइड 1 ग्राम पर डे से ज़्यादा जिया जा रहा है। तो कैसे टेराटोजेनेसिटी होती है, क्योंकि वो फोलिक एसिड डिफिशियंसी कराता है वेलप्रोइड, फेनिटॉइन भी फोलिक एसिड डिफिशियंसी कराता है, और ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे क्योंकि जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स हो जाएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल्स, बेंजोडाइजेपीन्स जो हैं टेराटोजेनिक अगर मोनोथेरेपी है तो नहीं है, जैसे कि क्लोनाजीपाम, क्लोबाजीपाम, ठीक है, लेकिन टेली मेडिसिन में हमें ये सब नहीं देना है बेंजोडाइजेपीन्स। थैंक यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि सब लोग ये अनकॉमन टॉपिक थोड़ा सा पढ़ पाएँ।